I'm so sorry. मैं साफ़ हूँ. It's okay. Thank you. ये निशान है, मैं निशानी समझ के रख लूँगा. मुझे अपना नाम और पता बताइएगा प्लीज. वो क्यों क्या मतलब? ड्राई क्लीन का बिल भेजना है आपको. एक्सक्यूज मी मैडम, नहीं, मुझे अपना नाम और पता बताइए. आप ऐसा करें, मेरा फोन नंबर लिख लिया कर दीजिएगा. दैट्स अ गुड आइडिया. प्लीज नंबर बताइए. दूसरा मोबाइल दे. जो कुछ था वो दे दिया. भाई जान, जल्दी चल, हम जल्दी चल. इतनी बड़ी गाड़ी थी उसकी. अरे तूने अच्छे से पता तो कर लिया, किसी का ड्राइवर तो नहीं था? बस कर दो अम्मी, ड्राइवर की शक्ल से नजर आता है कि वो ड्राइवर था. अच्छा बताना, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? अरे तूने अपना नंबर भी दिया उसे या नहीं? हाँ दे दिया था. इसीलिए तो कहती हूँ, ये दो चार तेरी जो अमीर दोस्त है ना, इनसे मिलेगी तो ऐसे ही लोग मिलेंगे. अब गरीब दोस्तें रखेगी तो हम जैसे ही लोग आएंगे ना. अच्छा चल चल, जाके कपड़े बदल ले. मेरा दिल नहीं कर रहा. चल ना, रोज रोज मैं तेरे नए जोड़े नहीं बनवा सकती, और ये जोड़ा बहुत महंगा है. क्या है अम्मी, एक तरफ से तुम चाहती हो कि मैं गरीब ना लगूं, और दूसरी तरफ हर वक्त गरीबों वाली बातें. अरे घर में पुराने जोड़े हैं ना पहनने के लिए. ये जो दो चार अमीरों वाले जोड़े हैं ना, तुझे नहीं पता मैंने कैसे पेट काट काट के बनवाए हैं. पता है अम्मी, मुझे सब कुछ पता है, पर जरूरी तो नहीं ना कि जैसा तुम सोचते हो मेरे लिए सब कुछ वैसा ही हो. अमीर घर वाला हमारी गली में आएगा ना, तो हमारी गरीबी उसे वहीं से ही भगा देगी. जो तुझे पसंद करके आएगा ना, उसे तेरी अमीरी और गरीबी से कोई मतलब नहीं होगा. और वैसे इस घर में आएगा भी कौन, कौन पसंद करेगा? अल्लाह माफ करे. अच्छा चल अब जल्दी से सो जाना, सुबह बहुत काम करने. और ये कपड़े बदल के सोना, इन्हीं कपड़ों में ना सो जाना. ठीक है अम्मी. ये निशान है, मैं निशानी समझ के रख लूंगा.
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। और चीजों का क्या है बेटा, चीजें तो और बन जाएंगी। रकम कितनी थी उसमें? रकम की परवाह किसे, सेलफोन में जरूरी नंबर होते हैं और बस उसी चीज का अफसोस। उफो बेटा, नंबर्स का क्या है, वो भी दोबारा से मिल जाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि तुमने बहुत अच्छा किया जो मजाहमत नहीं की। अरे मजाहमत तो करनी भी नहीं चाहिए, अगर वो गोली चला दें फिर। बेटा तुम ऐसा करो कि सुबह पुलिस में रिपोर्ट कर देना। नहीं डैड, इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करेंगे वो लोग। अरे सिम तो ब्लॉक कराओ, अगर गलत इस्तेमाल कर ली फिर। आप ऐसा करें, मेरा फोन नंबर लिख लो। ठीक, ये ले भी पकड़। अब चाहे इसे तोड़ दे या जो तेरा जी करता है कर दे, नंबर तो सारे के सारे निकाल लिए। अबे तू इन नंबरों का करेगा क्या? देख मेरी बात सुन, मैंने अपनी सारी की सारी बातें बताने के लिए नहीं रखी, समझा? अच्छा फिर भी। अबे हो सकता है किसी लड़की वड़की का नंबर मिल जाए। सारी लड़कियां फारिग बैठी है ना तेरे लिए। अबे चल निकल इन चक्रों से, अजमल इंतजार कर रहा है। चल चल। इन दवाइयों में तो अब असर ही नहीं है, मुझे तो लगता है सारी नकली हैं दवाएं। अच्छी दुकान से लेकर आई, बस में बैठकर गई थी, जो सबसे अच्छी दुकान थी वहां से लाई हूँ तेरी दवाइयां। आ गया आवारा गर्दी करके। सोनी कहाँ है? अंदर है, अभी आई है अपनी माँ की दवा लेकर। आजा रमजी आजा, कहाँ रहता है तू, नजर ही नहीं आता। सारे मोहल्ले का ठेका उठा रखा है इसने, हिफाजत करता है सबकी। फारिग होके 12 के बाद सुन मेरी, जा तेरी मामी सुबह से कपड़े धोने लगी है, भूख लगी होगी इसे, जा रोटी बना कर दे। कहाँ गई थी तू? तुझे बताया तो था कि अम्मा की दवाइयां लाने, पर तेरे पास वक्त कहाँ है हमारे लिए, तुझे कौन सी फिक्र है हमारी? कौन था वो? खुद ही पूछ लेना था ना उससे। उंगली नीचे कर, तुझे हजार दफा कहा है मैंने कि जब भी तुझे कोई काम होता है तो मुझे बताया कर, मैं जाऊंगा अकेली बाहर, मत जाकर। क्यों गई थी तू? जैसे तू तो मेरे लिए तैयार बैठा है, मैं कोई काम कहूंगी और भागा भागा चला जाएगा। कितने दिनों से तुझे कहा हुआ था कि अम्मा की दवाइयां लानी है, यहां से नकली दवाइयां मिलती, कहीं और से ला दे, मगर तेरे तो ना दिन का पता ना रात का।
चल ठीक है ना, इतना ख्याल रखूंगा ना। खाना बना है, दे। देखती हूँ। चलो हटो, अब रास्ता छोड़ो, हटो, दरवाजा भेड़ लो। तुम पहले ये बताओ कहाँ गायब थे, इतने दिन आए क्यों नहीं? भाई बहुत मसरूफ आदमी हूँ, बहुत काम होते हैं, शहर से बाहर गया हुआ था। तुम छोड़ो, आपा कहाँ हैं? यही हैं, पड़ोस में गई हैं। तुम बैठो, मैं जरा किचन से होकर आती। नहीं नहीं, मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा भाई। वैसे मैं तुम्हें खाना दे भी नहीं रही थी, यहाँ कोई लंगर थोड़ी चल रहा है। अरे मुझे कौन पूछता है इस घर में खाना, हमारी आपा होती तो वो पूछती हमें। सलाम। शायान, तुम कहाँ गए थे इतने दिन, आए क्यों नहीं? शादियों के सीजन चल रहे, शहर से बाहर गया हुआ था। और वो जो अम्मी ने मेले कहा था बनारसी जोड़े का, ला दूंगा ला दूंगा। शुक्र है तुम्हें मेरा नाम याद है, अभी मामू पास हैं, बाद में। तुम कहाँ गए थे इतने दिन, आए क्यों नहीं? अरे बताया तो है, शादियों का सीजन चल रहा था, शहर से बाहर गया हुआ था। वैसे भी आजकल ना जोड़े अच्छे नहीं बन रहे, हल्के बन रहे। तुम्हारे लिए तो स्पेशल जोड़ा बनाऊंगा ना मैं। क्या कह रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। तुम्हें मेरी बातें का समझ में आती हैं? मेरे मामू पास है, बाद में बात करूं तेरे मामू की। ये ले। खाना ले। सोनी, एक प्याज काट दे। प्याज तो नहीं है, टमाटर ला दूं? टमाटर ला दे। अरे मेरा तो दिल चाहता है तुझे 100 प्याज खिलाऊं और 100 जूते लगाऊं कमबख्त। क्या कर रहा है तू आजकल, कहां रहता है बताना। खा लूं? हाँ हाँ, तेरे अब्बा के मुरब्बों से आ रहे हैं ना, खा लूं। बताना क्या पूछा मैंने। मामी बेचारे को खाना खा लेने दे, बाद में पूछ लेना। क्यों, अभी जवाब देते, इसको मौत आ रही है क्या? क्या पूछ रही हूँ, बताता क्यों नहीं? हरकतें देखो कमबख्त की। खिला देना इसको खाना, बस नवाब साहब से कोई कुछ पूछे नहीं। उसका नाम सानिया था, सानिया। क्या पता कोई चक्कर देगी हो, या इनफैक्ट नाम ही गलत बताया हो। और वैसे भी शादी में इतने लोग होते हैं कि हर किसी का नाम तो नहीं याद रख सकते ना। तो भाभी से पूछो यार, शायद उन्हीं की दोस्त हो। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी कल परसों मेरी शादी हुई है और उनसे मैं एक लड़की का पता पूछूं, अबे मरवाएगा यार तू मुझे। मेरी तरफ से पूछ लो भाभी से। अच्छा, वैसे तेरे दिमाग में भी खलल है, अभी एक वही लड़की मिली थी क्या? क्या पता वो शादीशुदा हो या एंगेज हो। छोड़ना यार उसे। ओ स्मार्ट, जितना कहा है उतना करो, शादीशुदा। हेलो। मैं कौन, बकरी? मैं शायान, शायान में।
वो तो मैं जानती हूँ कि मैं शायान से बात कर रही हूँ। अच्छा, नंबर सेव कर रखा है मेरा, अगर घर वालों ने देख लिया तो? मैंने आपका नंबर शीन से सेव किया है। शीन क्यों? हाँ, शायान, शीन। हाँ हाँ, शीन से शायान, शीन से शायान। मामू चले गए आपके? मेरे मामू? हाँ हाँ, वो तो चले गए। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो मामू हैं बड़े सख्त दाद आदमी हैं। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो तो मेरे साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह है। एक्चुअली वो मेरी अम्मी के कजन है, तो उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, मैं उन्हें नाम से ही बुला लेती हूँ। अच्छा 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 अच्छा। और? और? मतलब, और करती क्या है आप? ये रमजी नहीं आया? आया था, कुछ कुछ काम से गया है। पर्स दे। तेरे मन में वो है, तू नहीं है उसके मन में। तेरे इश्क नचाया, इश्क नचाया। आपकी गाड़ी बहुत खूबसूरत थी। कौन सी गाड़ी आपने कहा देखी? अरे जिस गाड़ी के पास खड़े होके आप हाथ हिला रहे थे, वो आपकी नहीं थी क्या? अच्छा वो, ओहो, मेरे पास तो बहुत सारी गाड़ियां हैं ना, तो बस याद नहीं रहता मुझे। तो बहुत अमीर हैं आप। वैसे आप रहते कहाँ हैं? मैं वो हाँ, डिफेंस, क्लिफ्टन से बस थोड़ा सा आगे, डिफेंस। जी जी, मैं जानती हूँ कि डिफेंस क्लिफ्टन के साथ ही है। अच्छा। वैसे वो कोट ड्राई क्लीन करा लिया आपने? कौन सा कोट? क्या मतलब कौन सा कोट भाई, जिसका बिल भिजवाना था आपने मुझे, उसी बहाने से तो नंबर लिया था आपने मुझसे। अच्छा वो कोट। वो तो मतलब आपसे नंबर लेने का बहाना था बस, और क्या। मैं जानती थी कि आप बहाने से मेरा नंबर मांग रहे हैं। अच्छा, उसे कभी ड्राई क्लीन मत कराइएगा। अरे छोड़े ना, मतलब आप क्या एक बात के पीछे ही पड़ गई हैं। और बताइए आप, कोई और बात कीजिए। और बात तो आप कर लें, और बात मैं करूं? कहाँ रहती है? सच बताऊं या झूठ? अरे सच बताइए, मतलब झूठ क्यों बताएंगी आप, मैं भी तो सारे के सारे सच बोल रहा हूं ना आपके साथ। मैं नाजमाबाद में रहती हूँ। नाजमाबाद में? अरे वाह, मैं भी वहीं। क्या? नहीं नहीं, वो नाजमाबाद में ना। हाँ वो नाजमाबादी, मेरे बहुत जानने वाले रहते हैं, बड़ी सलाम दुआ है मेरी वहां पे ना। अच्छा, तो आपका आना जाना रहता है यहाँ पर? करोड़पति बाप का बेटा है अम्मी, अब पता नहीं कितनी गाड़ियां इसके घर में, और ऐसे शर्मा शर्मा के बात कर रहा था जैसे कभी किसी लड़की से बात ही ना की हो।
अल्लाह, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। सब कुछ बिल्कुल वैसा हो रहा जैसा मैं सोचती थी। तेरा तो रिश्ता बड़ी अच्छी जगह तय हो रहा है। क्या हो गया तुम्हें? वैसा मैंने क्या कह दिया? तुमने तो मेरा रिश्ता भी तय करा दिया। और नहीं तो क्या? इस घर के दरवाजे बहुत नीचे अम्मी, कोई अमीर घर वाला अपना सर क्यों झुकाएगा यहाँ आने के लिए? यहाँ नहीं आने वाला कोई शहजादा वैसादा। अरे क्यों मनुज बातें मुंह से निकालती है? जैसा सोचेगी ना वैसे ही होगा। अब देख, मैं तेरे लिए जैसे ख्वाब देखती थी ना, बिल्कुल वैसे लड़का मिला है तुझे। फोन पे सिर्फ एक बार बात की और तुमने तो मुझे रुखसत ही कर दिया। पता नहीं यहाँ आने के बाद वो दोबारा आता भी है कि नहीं। मर्द को औरत की शक्ल सूरत से मतलब होता है, हैसियत से नहीं। जब उसने तुझे पसंद कर लिया ना, तो अमीरी गरीबी की वो परवाह नहीं करेगा। फिर मेरी बेटी तो लाखों में एक है। पर उसके घर वाले, मेरा मतलब है माँ बाप, अगर वो ना माने तो? इसकी तो परवाह ना कर। अगर मर्द का बच्चा होगा ना, तो अपने माँ बाप को खुद मना लेगा। अरे हाँ, उसके माँ बाप हैं भी कि नहीं? तूने उससे पूछा कि वो जिंदा भी है या नहीं? और बहन भाई कितने? अभी एक ही बार तो बात हुई है, क्या क्या पूछती मैं उससे? अच्छा अच्छा चल, सब ठीक है। बस अब तो मुझे उसे जल्दी से मिलवा दे, ताकि मैं बात आगे बढ़ाऊं। हाँ, दोबारा बात होगी ना तो फिर बात करूंगी। यार खास चल, मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल, जल्दी जल्दी निकाल मोबाइल। पास दे, पास दे, पास दे, दूसरा मोबाइल दे, दूसरा मोबाइल दे। क्या दूसरा मोबाइल है ये भाई? क्या हो गया? चल चल निकल यार, पट पट चल, पीछे नहीं जा रहा। इसकी शक्ल देख के लगता नहीं था इतने पैसे निकलेंगे। अगर जितने नंबर चाहिए निकाल ले। छोड़ना यार, ये सारे फजूल काम है। अच्छा बेटा, यहाँ क्यों बैठी है? सोई नहीं? वो नींद नहीं आ रही थी, अम्मा को खांसी का दौरा पड़ गया था। ये रमजी नहीं आया? रमजी आया था, कुछ कुछ काम से गया है। इस वक्त किस काम से गया होगा? तू भी उसके लिए झूठ बोलने लगी है ना? अल्लाह तेरी माँ को सेहत दे। ये लड़का कुछ करने लगे तो मैं तेरी और इसकी। मामू वो हाँ बोल बेटा, क्या कहना चाह रही है? पता नहीं भूल गई, याद आएगा तो बताऊंगी। मैं चलती हूँ, सोने की कोशिश करती हूँ। रमजी, ए रमजी उठ जा, तेरे अब्बा बुला रहे हैं। सोने दे अम्मा, अभी सोना थोड़ी देर। है तो उसमें मेरा क्या कसूर है जो तू अभी सोया है? तो है
जब वो यहाँ आ गए ना तो भैया बड़ी बेइज्जती करेंगे तेरी। उठ जाऊंगा तो जैसे इज्जत करेंगे ना वो। जा चलिए अम्मा। अरे तो इज्जत बनाना अपनी, कोई काम काज किया कर। चल उठ जा, उठ शाबाश। सोने दे अम्मा। अरे भैया उठ जा, अपने साथ साथ मुझे भी बेइज्जत कराएगा क्या? चल उठ, उठ शाबाश, चल उठ, चला जा, बहुत नखरे दिखा रहा है। ये क्या तरीके हैं तेरे? कब इंसान का बच्चा बनेगा? अब क्या कर दिया मैंने? इसी बात का तो रोना है कि कुछ नहीं कर रहा तू। वर्कशॉप क्यों नहीं आता? क्या करूं पापा वहां के? वही जो मैं करता हूं, मेहनत मजदूरी। अबे मैं काम करूं या तेरे बारे में सोचूं? तो आपको अब्बा किसने कहा है कि आप मेरे बारे में सोचें? मेरे बारे में मुझे खुद सोचने दीजिए ना आप। सोचने के काबिल होगा तब ना। बस करो ना, जवान हो गया, प्यार से बात कर लो। मतलब प्यार से ही बात कर रहा हूं, कौन सा लट मार रहा हूं? मैं जाऊं? कहां जाएगा? नींद आई हुई है मुझे, सोना है। तो सोता क्यों नहीं? क्या करता रहता रात भर? काम। कौन सा काम? काम की तलाश करता हूँ। ना कौन सी तेरे बाबा ने फैक्ट्रियां खोली होती हैं जो तू रात को काम तलाश कर रहा होता है? अरे जाने दो ना। चुप रहो। मैं बात कर रहा हूं ना, मुझे बात करने दो। वो देख रहा है, वो खड़ी है सोनी, मैं वो रात रात भर जागती रहती है कि कब नवाब साहब आएंगे, कब उनके लिए दरवाजा खोला जाएगा। तो अब्बा उसको किसने कहा है कि वो जागे, सो जाया करे ना। सोनी, सोनी बात सुन। कर। मैं बात कर रहा हूं ना, मुझसे बात कर। तो जाता तो है काम की तलाश के लिए सलीम के साथ। इसी बात की तो परेशानी है कि ये सलीम के साथ जाता है। अबे वो उल्टे सीधे काम करता है, इसको भी अपने साथ लगा लेगा। अब्बा मैं जाऊं? जाइए जाइए नवाब साहब, जाइए, बाप है ना कमाने के लिए। अब जब मर जाऊंगा ना तो भीख मांगकर या चोरियां डकैतियां करके गुजारा करना। एक लड़का सानिया को पसंद आ गया। देखने में कैसा है? बहुत खूबसूरत। उससे ज्यादा? तेरे इश्क नचाया, इश्क नचाया। अरे अरे क्या हुआ तुझे अम्मा, क्यों उठ रही है? ये तेरा मामू इतनी ऊंची ऊंची क्यों बोल रहा है? अब कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें तो पता है ना मामू की आदत, हमेशा कड़वा ही बोलते हैं। जुबान का कड़वा आदमी दिल का साफ होता है। मेरा भाई ऐसा ही है। ये बात तो सच है अम्मा, मगर मैंने कोई मामू की बुराई थोड़ी ना की। रमसी ने कुछ किया? कुछ भी नहीं, बस रमजी को कह रहे थे कि काम पर आया करे। ठीक ही तो कह रहा है वो। अच्छा वो दवाई पी? अच्छा बात ना बदल, तू समझाया कर रमजी को,
उसे कहना कि काम पर जाया करे। मेरी कहा सुनता, वो तो वो ही करता है तो जो उसके मन की मर्जी होती है। तेरे मन में वो है, तू नहीं है उसके मन में, इसीलिए तेरी मर्जी नहीं करता। ये कैसी बातें कर रही है? अच्छा चल, इधर आ, मेरा मेरा सर दबा दर्द से फटा जा रहा है, सोचने की हिम्मत भी नहीं है। आए, अगर उल्टी सीधी बातें सोचोगे तो सर में दर्द ही होगा। आज सुबह सुबह कैसे फोन कर लिया? वो दरअसल हुआ कुछ यूं कि मैं तो सो रहा था, तो अब डैड डैड हाँ डैड ने मुझे कहा कि बेटा उठो, आज डाइनिंग टेबल पे इकट्ठे बैठ के नाश्ता करेंगे, तो मैंने कहा चलें डैड उठ जाता हूँ आपके लिए। अच्छा, तो क्या खाया आपने नाश्ते में? देसी घी, मक्खन, लस्सी, पराठे बल वाले। देसी घी? ये अमीर लोग भी देसी घी के पराठे खाते हैं? हाँ तो अमीर लोग ही तो खाते हैं, गरीब बेचारों को कहाँ मुयस्सर है देसी घी, बताइए आप मुझे। वैसे मेरा तो ख्याल था कि जैम, मक्खन, डबल रोटी, अंडे, ये सब खाते होंगे आप लोग। देखिए अमीर तो हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों ने ना अपनी आदतें खराब नहीं होने दी। जा यहां से। हाँ, किसे कह रहे? नौकर मासी बिचारी गरीब। अच्छा, वैसे कितने नौकर हैं आपके घर पर? नौकर हमारे घर में इतने 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 कि मतलब गिनना मुश्किल है उंगलियों पे कसम से। अच्छा, तो इसका मतलब आप तो बहुत अमीर हैं। देख सरवर, एक तू ही है जिस पर मैं एतबार कर सकती हूँ। अरे आपा काम बोलो, मेरी जान हाजिर है तुम्हारे लिए, मेरा कौन है तुम्हारे सिवा, बोलो क्या काम है? वो एक लड़के का पता कराना है। लड़के का कौन? अभी बात अपने तक रखना, सानिया अपनी सहेली की शादी में गई थी। अच्छा फिर? वहाँ एक लड़का सानिया को पसंद आ गया। क्या कह रही हो आपा? मेरा मतलब है कि सानिया एक लड़के को पसंद आ गई, समझ रहा है ना मेरी बात? अरे आपा क्या समझ रहा हूँ, क्या कह रही हो, ये क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि यार सानिया तो मुझसे कोई बात नहीं छुपाती, इतनी सारी बातें होगी मुझे पता ही नहीं है। अब भला वो ऐसी बात तुझसे कर सकती है? अरे तो रिश्ते में उसका मामू है, कुछ तो लिहाज आया होगा ना। अरे क्या लिहाज, क्या मामू यार, मैं तो अता पता है कुछ उस लड़के का? ये बातें तू सानिया से पता करना, मुझे तो ये पता करके बता कि लड़का ठीक भी है या नहीं। मेरा मतलब है जैसे वो कह रहा ना मैं अमीर हूँ अमीर हूँ, वैसा है भी कि नहीं? वो तो मैं पता कर लूंगा, मेरे बाएं हाथ का खेल है लड़का अमीर है नहीं है। कहाँ है सानिया? सानिया अंदर है, मैं उसे बुलाती हूँ, बाकी बातें उससे पूछ लेना, सारा आता पता पूछ लेना उससे। आपके घर वाले, मेरा मतलब है वो एक गरीब घर की लड़की को अपना लेंगे? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मेरी जो फैमिली है, हमारा जो खानदान है, वो बड़े अलग लोग हैं। मतलब हम लोग किसी के काम में मुदाखलत नहीं करते, हर कोई अपना अपना काम करता है, और वैसे भी उन लोगों को तो एक अच्छी सी शरीफ सी लड़की की जरूरत है, बाकी सब कुछ तो अल्लाह का दिया हुआ है हमारे पास। मतलब ऐसी बहू हो जो जो सबकी खिदमत के लिए तो नौकर है, सबका ख्याल रखे। शायान, आप मेरी अम्मी से बात करेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, जब वक्त आएगा तो बात करेंगे ना उनसे। नहीं मेरा मतलब है कि वो भी मेरे साथ ही मौजूद हैं, ये ले बात करें उनसे। हाँ?
करवाई है? सर हो रहा है, मैंने उसे अहतमाद में ले लिया है। तू जा, जाके उससे बात कर, मैं आ रही हूँ। जय शाबाश। हेलो बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो बेटा? ठीक, बिल्कुल ठीक। भाई आओ ना बेटा कभी हमारे घर, अब ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना। हाँ हाँ जी जी जी, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, इंशाल्लाह जरूर जरूर आऊंगा। देखो अब मैंने तुम्हें बेटा कहा है ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी माँ का कहना जरूर मानोगे, है ना? नहीं नहीं नहीं, आप शर्मिंदा तो मतलब मत कीजिए ना मुझे, आपने बेटा कहा है तो मैं हूँ आपका बेटा, क्यों नहीं। इधर आओ। क्या हो गया? इधर आओ। अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हैं, दोस्त है ना हम एक दूसरे के, दोस्त है ना, दिल की बातें करते हैं ना एक दूसरे से। अच्छा तुम नाराज क्यों हो रहे हो? अब बता रही हूँ ना। अब बता तो रही हूँ, मिलवाओ मुझे उससे। मुश्किल है, वो तो बहुत मसरूफ रहता है। यार नंबर दोस्त का मैं भी देखूँ कितना मसरूफ रहता है वो। अच्छा लेकिन देखो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मुझे सिखा रही हूँ, मुझे सिखा रही हो जो दुनिया को सिखाता है। ये बताओ वो देखने में कैसा है? हैंडसम है, बहुत खूबसूरत। उससे ज्यादा? तुम्हें कौन खूबसूरत कहता है? हंसो मत, अच्छा मजाक नहीं हो रहा यहाँ पर। अरे मैं मजाक कर भी नहीं रही, खूबसूरत देखो तो खुद को। अच्छा रुको, कहाँ जा रहे हो? तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया। जी शायान साहब, सर्वर बात कर रहा हूँ। मिलना है आपसे, बताइए कहाँ मिल सकते हैं? अब उसका मामू मिलना चाहता है मेरे साथ। ओह ध्यान से मेरी जान, कहीं ऐसा ना हो कि उस गली पे जाए और सामने मुस्टंडे खड़े हो। तो मेरा यार किस मर्ज की दवा है? क्या मतलब है बे? मतलब ये है कि मैं अकेले थोड़ी ना जाऊंगा वहां, तू जाएगा ना मेरे साथ। अम्मी अम्मी अम्मी, वो देखे शायान। शायान कहाँ है अम्मी? वो उस तरफ, वो देखे शायान। रमजी, रमजी क्या है मोहब्बत, क्या है चाहत, यही फसाना यही हकीकत, यही दिल है यही धड़कन, ये जुदाई यही बंधन, कभी जला कभी बुझा।